हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल एके रिपेयर्स 97.95 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे मोबाइल में हेडफोन लग जाता है, यानी लीड का ऑप्शन जो होता है वो लग जाता है, जिससे कि हम बिना स्पीकर के बात नहीं कर सकते हैं, या कहीं फोन मिलाएंगे या कुछ भी, या हम गाना सुनते हैं तो हमारी आवाज नहीं आती, हेडफोन लोगों लग जाता है। तो उसे हमें कैसे हटाएं और कैसे रिपेयर करें बिल्कुल आसानी से, ठीक है दोस्तों? तो वीडियो में हमारे अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेडफोन लोगों, ठीक है दोस्तों, हेडफोन लोगों को हम कैसे हटाएं? तो सबसे पहले हम बनाते हैं हेडफोन, जिसमें हमारा हेडफोन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया हेडफोन, जैसे मोबाइल में हमारे जो कनेक्टर लगा होता है, हेडफोन कनेक्टर। हेडफोन कनेक्टर, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमें पॉइंट देखने को मिलते हैं वो हमें 6 पॉइंट देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम अपना हेडफोन लगाते हैं, यानी लीड, ठीक है, उसमें हमें 6 पॉइंट देखने को मिलते हैं जैक के अंदर, ठीक है, और एक पॉइंट इसका हमारा जो होता है वो ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड होता है, एक पॉइंट हमारा ग्राउंड होता है, और जो ये पॉइंट होता है हमारा, ये माइक, ठीक, जो हमारा माइक होता है वो इस पॉइंट पे हमें देखने को मिलता है, और एक तरफ जो होता है ये हमारा पॉइंट जो होता है ये राइट स्पीकर का होता है, ठीक है दोस्तों, और ये लेफ्ट स्पीकर का, ये लेफ्ट स्पीकर का, और ये राइट स्पीकर का, और ये माइक, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हमारा जो हेडफोन लोगो होता है वो कैसे हटाएं और इसे कैसे रिपेयर करें, उसके बारे में आपको बहुत बारीकी से समझाने वाला हूं। तो इसमें एक माइक का होता है, एक ग्राउंड होता है, और एक लेफ्ट स्पीकर होता है, एक राइट स्पीकर होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे फोन में एक जो हमारी एयरपोर्ट होती है वो एक कान में बजती है और एक कान में नहीं बजती है, तो कभी कभी खिंचाव से भी वो लीड खराब हो जाती है और कभी कभी यहां से भी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हेडफोन लोगो, तो ये जो लाइनें हैं हमारी, ये हमारी इस प्रकार से, यहाँ पे कैपेसिटर देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसमें आपको डायोड भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको कॉइल भी देखने को मिल सकती है, उसके बाद में ये लाइन आपकी सीधा आईसी में जाती है, ये लाइन हमारी इस आईसी में, यानी आईसी में चली जाती है। उसी प्रकार से इसमें भी कैपेसिटर देखने को मिलेंगे और डायोड देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, और कॉइल देखने को मिल सकता है, और 0 ओम का रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है, और ये भी लाइन हमारी आईसी में जाती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको बीच में एक कैपेसिटर देखने को मिल सकता है, ठीक है, एक बीच में कैपेसिटर आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे कंपोनेंट इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ, डायोड लगा हुआ, कॉइल लगी हुई, या फिर फ्यूज लगा हो सकता है, या फिर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हो सकता है, ठीक है दोस्तों, और बीच में आपको कैपेसिटर देखने को मिल सकता है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं हेडफोन लोगो की। हेडफोन लोगो कभी कभी क्या होता है, अगर ये लाइन, ये जो बीच में हमारा एक कैपेसिटर लगा है, ये कैपेसिटर अगर आपस में शॉर्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों, शॉर्ट हो जाता है, तभी हेडफोन लोगो की प्रॉब्लम आ जाती है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से इसके अंदर पत्तियां लगी होती है, जो कि हम जब लगाते हैं पिन को इस जय के अंदर लीड का, तो इसमें पत्तियां लगी होती हैं जो उसमें आपस में टकराती हैं। ठीक है, जब ये आपस में टकराती हैं दोनों लाइनें, तभी हमारा हेडफोन लगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लीड को लगाते हैं और ये पत्तियां आपस में, और लीड को लगाने के बाद हम निकाल लेते हैं तो ये पत्तियां आपस में टकराई हुई रह जाती है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये पत्तियां जो आपस में कहीं टकराई हुई तो नहीं है, अगर टकराई हुई तो इन्हें हमें छुड़ाना है। उसके बाद में हमें चेक करना है कि हमारे यहाँ पे कोई धूल यानी गंदगी तो नहीं है, उसे हमें अच्छी तरीके से साफ करना है। अगर फिर भी नहीं हट रहा है तो हमें जैक एक बार चेंज करके देख लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी नहीं हट रहा है तो हमें फिर लाइन की ट्रेसिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होता है, अगर ये लाइन हमारी ग्राउंड होगी, ये लाइन अगर ये लाइन ग्राउंड हो जाती है तब भी ये हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, यानी अगर शॉर्ट होने पे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वाला जो कैपेसिटर लगा है, ये कैपेसिटर आपस में शॉर्ट होगा तो ये लाइनें क्या होंगी, दोनों आपस में शॉर्ट होंगी। अगर ये दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट होंगी तो हमारा हेडफोन लोगो लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस कैपेसिटर को हम निकाल देंगे तो हमारा हेडफोन लोगो हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर ये लाइनें भी ओके हैं और ये यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हमारी आईसी के अंदर से प्रॉब्लम आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें आईसी निकालनी है और रिबोल करके लगाने के पिन वाली है तो हमें चेंज करनी पड़ेगी, या फिर हल्का हीट देके भी देख सकते हैं कि हमारी आईसी से शायद प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हेडफोन लोगो था और आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो हमारी, और ये हेडफोन लोगो आसानी से आप रिपेयर कर लेंगे, इस समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।